नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिजीत शर्मा। देखिए, इस साल दिवाली को लेकर देश में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देश के बड़े बड़े विद्वान और ज्योतिषाचार्यों के बीच में कुछ असमंजस ये बना हुआ है कि दिवाली की जो तारीख है वो 31 है या 1 नवंबर है, क्योंकि कुछ ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि 31 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी, तो वहीं कुछ विद्वान 1 नवंबर का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इंदौर में ज्योतिषाचार्यों की मीटिंग के बाद 1 नवंबर का समर्थन होता नजर आ रहा है। इन सभी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर विनोद बिहारी शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। देखिए, दिवाली को लेकर जो ये 1 तारीख और 31 तारीख को लेकर के जो 2 दिन का जो चल रहा है, इसको लेकर कुछ आप स्पष्ट कीजिए कि दिवाली कैसे और कब मनाई जाए। अभिजीत जी, बहुत ही जो अभी स्पष्ट स्थिति जो हमारे सामने है, वो पंचांगकारों के अनुसार दोनों दिवस की दीपावली मनाने का, जिसको हम पंच पर्वा उत्सव माना करते हैं, सदा से सनातन स्थिति दीपावली की अमावस्या को लेकर के है। अमावस्या की तिथि हमारे धर्म और संस्कृति में बड़ा विशेष महत्व रखती है, और ये महारात्रि, कालरात्रि और सिद्ध स्थिति है। ये इसको हम यदि ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं, तो ज्योतिषियों का जो मत है वो तिथि के संदर्भ में 3:52 के आसपास से होता है 31 अक्टूबर को, और जब तिथि प्रदोष काल में आकर के पूरी रात्रि भर यदि वो तिथि रहती है, और वो दूसरे दिन जाकर के 5:15-13 के आसपास, और कुछ पंचांगकारों के अनुसार वो 6:17 तक भी, तो ये जो काल का जो निर्णय है, ये इसके कारण से ये थोड़ी सी स्थिति ये दोनों दिनों की बन रही है। अब जो विद्वान है, परंपरागत अनुभवी समृद्ध आयोजन की हो गई है, उनसे विचार विमर्श होने के दौरान मुझे जो इस विषय में जानकारी मिली है और जो मेरा अपना अभिमत है, वो ये है कि प्रदोष काल सबसे पहले स्वागत के योग्य है, और वो 31 तारीख को आ रहा है, 31 अक्टूबर को आ रहा है, और जिस तिथि के अंदर प्रदोष काल स्पर्श हो रहा है, और पूरी रात्रि के अंदर उपासना दीपावली की लक्ष्मी पूजन के साथ में हम जिस परंपरा को हम स्वीकार करते हुए आ रहे हैं बरसों से, तो उसके अनुसार तो 31 अक्टूबर को दीप दान करने के साथ साथ, दीपावली की पूजा करने के साथ साथ, प्रदोष काल में हम लक्ष्मी का पूजन करने के लिए स्थिर लग्न और नवमांश वगैरह ये सब उसके अंदर पूरी रात्रि को हमें प्राप्त हो रहे हैं, सुलभतया हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हम सायंकालीन प्रदोष काल की इस निशीथ पर्वा, इस दीपावली को हम ग्रहण करने में अब जो भूमिका निभाते आ रहे हैं, जो परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं, उसी को स्वीकृत करके और उसी दिन मनानी जाए, उसी में हम अपनी भूमिका को संपूर्णतया हम अदा करें। और उसके बाद 1 तारीख को जो दिन में जो अमावस्या आ रही है, ज्योतिषीय गणना के अनुसार तिथि का जो मान है उसकी स्थिति स्पष्ट है, इसलिए उनका काम तो वहीं खत्म हो जाता है, और बाकी धर्म सिंधुकार और निर्णय सिंधुकार यानी धर्मशास्त्र सम्मत जो व्रत की जो भूमिका है, व्रत का जो आयोजन है और व्रत की जो ग्रहणता है, ग्राह्यता है, वो दूसरे दिन आ रही है 1 तारीख को। तो हम अमावस्या के दिन सूर्योदय के अंदर जो हम तिथि को स्वीकार कर रहे हैं, उस दिन आप सूर्य की पूजा करके तर्पण इत्यादि, अथवा जो हम देव पितृ कार्य अमावस्या के रूप में हम जो मानते हैं, तो वो अमावस्या उदय काल होने के कारण वह 1 तारीख को आ रही है, 1 नवंबर को आ रही है, लेकिन शाम को वो सायंकाल प्रदोष काल को वो मात्र स्पर्श कर रही है, वो पूरी की पूरी प्रतिपदा के अंदर ग्रहण होने के कारण धर्म सिंधुकारों ने, धर्म शास्त्र के सम्मत विद्वानों ने, जिसमें काशी के विद्वत परिषद भी शामिल है, उन्होंने 31 तारीख को ही स्वीकार किया है, और इंदौर और मध्य प्रदेश के लोगों ने उसको ये कहा है कि वो 1 तारीख को ही यदि हम करें तो, लेकिन 1 तारीख में जो परंपरा और सनातन का जो अवधारणा है, वह 31 तारीख को संपूर्णतया रात्रि काल के होने के कारण हमें सुलभ हो रही है, और उसके अंदर हमारी
परंपरा का सनातन निर्वाह भी हो रहा है, इसलिए उस मान्यता को जो मानने के पीछे जो अवधारणा है वो 31 तारीख की यहाँ पर मजबूत है। और सारी सरकारों ने, जिसमें कम से कम 19 सरकारें हैं, उनमें राजस्थान सरकार भी है, छत्तीसगढ़ सरकार भी है, पंजाब सरकार भी है और भी अन्य सरकारें, हिमाचल प्रदेश की सरकार भी है, ऐसी 19 सरकारों ने उसका तिथिमान मालूम करके अपने विद्वानों के द्वारा चर्चा करके उसको 31 तारीख को अवकाश भी घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि वहां के संस्कृति विभाग और देवस्थान विभाग और धर्मशास्त्रकारों के अनुसार उन्होंने 31 तारीख को संपूर्णतया अपने उसमें अधिकार में मानते हुए तिथि को, अमावस्या को स्वीकार करते हुए, अधिकतम तिथि का उस वो अब समय अपने पास में रखते हुए उसको 31 तारीख को ग्राह्य मान करके और उसको हमने स्वीकार किया है। और 1 तारीख को आप कर सकते हैं, लेकिन वह देव कार्य, पितृ कार्य के रूप में व्रत, पर्व, पूजा, स्नान आदि से सूर्य का संबंध होने के कारण आप उसको पूजा में ले सकते हैं, लेकिन अत्यधिक रूप से, अतिशय रूप से उस अमावस्या का निर्वहन 31 तारीख को होने के कारण दीप पूजन और दीपावली पूजन, मां लक्ष्मी पूजन और अन्य भी जो अभीष्ट कार्य संसिद्धि के लिए जो रात्रि का ग्रहण माना गया है वह 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को है, क्योंकि उस दिन संपूर्ण अमावस्या का अधिकतम भाग वो उसमें शामिल होता है, सम्मिलित होता है। जी, तो इसमें एक और प्रश्न निकल के आ रहा है पंडित जी की, जो रूप चतुर्दशी है जी और जो अमावस है, क्या वो एक ही दिन हो रही है, उसको एक ही तरीके से कैसे? चतुर्दशी उस दिन अपने जो आ रही है, चतुर्दशी विद्या जो अमावस्या आ रही है, वो उस दिन अपने एक दिन पहले भी वो चतुर्दशी आ रही है, क्योंकि वो 3:52 के आसपास चतुर्दशी रहती है। तो चतुर्दशी विद्या जो दीपावली आ रही है उसको प्रदोष व्यापनी होने के नाते अपन ने ग्राह्य माना है। अब चतुर्दशी का जो दीप दान है वो तो एक दिन पहले ही हो जाएगा, यानी 30 तारीख को ही हो जाएगा और 29 तारीख को धन्वंतरी त्रयोदशी हो जाएगी। तो इसलिए दीप दान तो बाकायदा 5 दिन जो होगा वो अपने आप में इसी से होगा, अमावस्या की 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को होने के कारण, और भाई दूज भी उसके बाद में होगी, और जो अपने क्या कहते हैं गोवर्धन पूजा वो भी अपने उस तारीख को होगी, 2 तारीख को होगी। इस तरह से हम जो इस चीज को मानते हैं, तो ये पंच पर्वा जो पर्व परमात्मिका जो दीप मालिका है, वह दिवस उसके 6 दिन हो रहे हैं, तो 6 दिन के ऊपर हम उसको शामिल कर रहे हैं गणना के अनुसार, ज्योतिषी अभिप्रेत के अनुसार। लेकिन धर्मशास्त्र का जो विधान है, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधुकार, वो 31 तारीख को इसलिए मान रहे हैं कि 1 तारीख को करने के लिए जो पूजा है, वो पूजा का काल सिर्फ प्रदोष का स्पर्श मात्र होने से वह ग्राह्य नहीं माना गया है, इसलिए आप 31 तारीख को ही सर्वाभीष्ट, सर्व अभिप्रेत और विद्वानों के द्वारा, जिसमें काशी से लेकर के और अन्य राजस्थान के या विभिन्न सरकारों के जो विश्वविद्यालयों के अंदर जो लोग हैं, उन पंचांगकारों ने 31 तारीख को उस चीज को इसके लिए ग्राह्य माना गया है। और 1 तारीख को ये स्वैच्छिक उसमें जरूर आ गया है कि आप चाहें तो 1 तारीख को भी कर सकते हैं, चाहे आप अपने प्रतिष्ठान पर कर लें और चाहे उसको आप प्रदोष काल के समय कर लें, लेकिन रात्रि काल का उसमें कोई विधान स्पष्ट रूप से नहीं है। चाहे तो आप रात्रि काल को ले लें, लेकिन अमावस्या तिथि तब तक नहीं होती है, वो प्रतिपद विद्या अमावस्या तिथि हो जाती है। तो इसलिए इस बात के लिए दृष्ट गणित के जो पंचांगकार हैं, उन्होंने इसको 31 तारीख को ग्राह्य माना है। जी, आपने बताया कि 31 तारीख को ग्राह्य माना गया है और 1 तारीख को हम कर सकते हैं, लेकिन जो इंदौर में जो ज्योतिषाचार्यों की मीटिंग हुई है, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि 1 नवंबर को ही दिवाली मनाई जाए, और उसके पीछे का क्या कारण है? वो ज्योतिषाचार्यों का मत है जी, धर्मशास्त्रकारों का अभीष्ट नहीं है। उसमें जो निर्णय किया गया है ज्योतिषियों ने, वो तिथि के उसको स्पर्श करते हुए कहा है, प्रदोष काल को और अमावस्या तिथि को लेकर के उन्होंने कहा है कि अमावस्या सूर्य विद्या होने के कारण और सायंकाल तक वो अमावस्या 6:15 तो बोले प्रदोष काल तो तब भी आ रहा है, लेकिन प्रदोष काल का जो बहुत अत्यधिक जो भाग है वो उसके अंदर शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने उसको ग्राह्य माना है, तो मना ही तो है ही नहीं। लेकिन ग्राह्यता का जो डिग्री है, ग्राह्यता की जो अधिकतम सीमा है, वो 31 को मानी गई है, ये है बात।
तो इसलिए जो दूसरी काशी के, जयपुर काशी के जो विद्वान है, जगतगुरु संस्कृत विश्वविद्यालय से लेकर के और राष्ट्रीय या केंद्रीय संस्कृत जो संस्थान है, जो मुक्त यूनिवर्सिटी है संस्कृत के, उनके विद्वानों से, और डायरेक्टर रहे जो संस्कृत के, पूर्व संस्कृत के निदेशक रहे, उनसे जब मेरी थोड़ी इस बारे में चर्चा हुई आपके इस विषय पर आने के साथ साथ ही, और डॉक्टर विनोद शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिर्विद हैं अपने आप में और संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं, उनसे भी मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने 31 को ही इसको बढ़ाने के लिए, 31 को स्वीकार करने के लिए उनका मन था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई एक को मानने में अभीष्ट है आपका, आप कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं, मनाही नहीं है, लेकिन 31 को जो करने के पीछे उन सब लोगों का यही तर्क है जो मैंने आपसे निवेदन किया, वो सब 31 को ही स्वीकार कर रहे हैं, 31 को ही मनाएंगे, और उसका मैं भी पोषक हूँ इस बात का, क्योंकि वो सब गणितज्ञ हैं और पूरे पंचांग करता रहे हैं और उनका अनुभव भी है सनातन, ये 200 कालों में 200 वर्षों में ये ऐसी स्थिति आई है, पिछले 200 वर्षों में ऐसी स्थिति नहीं आई, और हो सकता है आगे के 200 वर्षों में ऐसी स्थिति, तो पंडित राज जगन्नाथ, जो पंडित जी जगन्नाथ जी समासा वाले विद्वान रहे, उनके नाना जी, उनके परंपरा में शिक्षित दीक्षित हैं वो, इसलिए मैं उनको बड़ा इस बारे में ऑथेंटिक मानता हूँ, अधिकृत मानता हूँ। तो ये थे हमारे साथ पंडित विनोद बिहारी शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि 31 तारीख को जो दीपावली पूजन है वो ग्राह्य है, लेकिन आप 1 नवम्बर को भी कर सकते हैं, उसके अंदर कोई मनाही नहीं है। जो 31 तारीख है उस दिन प्रदोष के बाद अमावस्या लग रही है, और माना जाता है कि जो दीपावली है और लक्ष्मी पूजन है वो अमावस्या की रात्रि को किया जाना चाहिए, तो उस हिसाब से 31 तारीख को दीपावली पूजन कराइए है, और 1 तारीख को आप स्नान और दान धर्म कर सकते हैं। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ अभिजीत शर्मा, नमस्कार।